तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी अभी भी मैं आपको एक अपना आज का गैम्बलिंग का कैसीनो का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोग गैम्बलिंग खेलो। गैम्बलिंग बहुत एक सेंसिटिव चीज है, ये इसमें सिर्फ 1-2% ही लोग विन करते हैं, 98-99% लोग लॉस करते हैं। लॉस करने की सबसे बड़ी वजह उनका लालच और डर है, उनका अपना दिमाग है। बाकी गेम में कोई क्या होता है क्या नहीं होता है वो अलग बात है, पर सबसे पहले आप अपने लालच की वजह से हारते हो। तो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, ऊटपटांग खेलते हैं, दारू पी के खेलते हैं, जिद पे आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इमोशनल लोग, उनके लिए गैम्बलिंग नहीं बननी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसका एंड रिजल्ट जीरो ही होना है। 1-2% केवल लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें अपना करियर बनाया है या इससे अपना रोटी रोजी रोटी चलाते हैं। मेरी तरह मतलब मुझे मेरी तरह सिर्फ आज तक अगर मैं बताऊँ तो मुझे सिर्फ उंगलियों पर 3-4 लोग मिले हैं। तो सोचो मैं हजारों लोगों से मिला हूँ, श्रीलंका में, नेपाल में, गोवा में, पर उसमें से 3-4 लोग ही मेरे को ऐसे मिले हैं जिन्होंने इससे अपना करियर बनाया है या आज उनकी एक अच्छी खासी वो है। बाकी के सब लोग तो बस लालच में शॉर्ट टर्म इनकम या इजी इनकम के लिए आते हैं, इसलिए गैम्बलिंग का एंड रिजल्ट जीरो ही होता है, ये बात आप समझ लो। और ऑनलाइन तो ऑफलाइन से और ज़्यादा खतरनाक है। तो बाकी मैं आपको अब आगे अपना आज का एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप देख लेना। थे तो हम लोग अंदर वहाँ पानी में गए थे, वहाँ पानी है ना उसके अंदर भी गए। हाँ अंदर वो खेत टाइप एरिया है वहाँ का बाहर। चलिए पता क्या हुआ था, आज हम लोग आम के पेड़ पे गए। यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ ना, एक ही बात है। ये भी आज ये लोग जिद कर रहे थे, हम पंजी में आए थे, कह रहे हमने कभी क्रूज कैसीनो में नहीं गए, ऐसे ही आ गए।